हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम सीटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चों, जिन बच्चों को मैथ्स कमज़ोर लगती है तो आज से आपको डरना नहीं है। हम देखेंगे कैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कर देंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरी हर बात को और हम मैथ्स को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा है, पहला क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का है, हर टॉपिक से हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है। आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही तरीका आप अपने एग्जाम में लगाना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक जो है 3, 4, 0, 5, 7, 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 डिजिट दे रखे हैं, आपको 6 अंक दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इन्हीं 6 अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनानी है। बस आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको किस पे ध्यान देना है, आपको ऑप्शन में क्या देखना है, आपको देखना है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सब जो दिया गया है ना, ये सब बेकार की चीज़ें दी गई। आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 5 अंकों की छोटी संख्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे चाहे जितने जीरो लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से छोटी संख्या देखनी है। ये देखो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा, ये नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा, ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा। आप मुझे बताओ, छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो छोटे नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इतना आइडिया लगाना है कि आपसे पूछा क्या गया, बाकी सब आप ऑप्शन में देखिएगा। ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाई, ऑप्शन किताब के है। दोस्तों, आई होप आपको ये तरीका समझ में आया हो। इस बार अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप इसे आसानी से उड़ा देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके आपको बताना ये कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाए। दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको ये सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ओवरऑल आइडिया लेना है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए मुझे, इतनी बात कंफर्म है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस लिए दिए जाते हैं, ऑप्शन तो इसीलिए दिए जाते हैं ना। आप मुझे बताओ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। आप मुझे तो पहला नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी और डी देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे 7 से स्टार्ट होने वाला नंबर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा होगा। आप अगर ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कंपेरिजन करना है, आप मुझे तो 875 दोनों में सेम है, ठीक है। आप देखो बचा नंबर क्या, 431। आप देखो इधर देखो क्या बचा नंबर, आपको 341। आप मुझे बताओ 431 और 341 में कौन सा बड़ा है, आपको 431 बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की सही होना मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे ना तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3920 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके आपको बताना यह है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। दोस्तों, आपने ओवरऑल आइडिया ले लिया, अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको देखना कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। पहले ऑप्शन में छोटी से छोटी संख्या दे रखी होगी, आप मुझे तो पहले जो दिया गया होगा वो आपसे पूछा क्या गया, छोटी से छोटी। फिर दूसरा बार जो दिया गया होगा वो बड़ी से बड़ी दिया गया होगा। आप मुझे बताओ, पहले देखो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आप कहोगे यहाँ 22 है और यहाँ 20 है, आप कहोगे यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है। आप कहोगे 22 जो होगा वो छोटी से छोटी संख्या होगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ टोटल 3 अंक ले, 209 ये लिखा है, 209 लिखा है, ये देखो 200 लिखा और ये 200 लिखा है। आप कहोगे 209 जो है वो 200 से बड़ा होगा तो ये छोटी संख्या कहाँ होगी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। आप अगर ध्यान से देखो 239 ये लिखा है, यानी मतलब छोटी से जो छोटी संख्या होगी वो 20039 होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखो, आप मुझे तो 99 दोनों सेम है, कोई मतलब नहीं। आगे देखो क्या लिखा, 230 और यहाँ देखो क्या लिखा, 320। आप मुझे तो बड़ी कौन होगी, आप कहोगे 320 होगा तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही उड़ाओगे बहुत ही आसानी से, आपको मैथ से घबराना नहीं जब तक हम है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्या
236,134 में छः का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल आए बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का अगर जातीय मान पूछ रहा है ना, अगर ये जातीय मान पूछ रहा है तो वो नंबर जो होता है वो खुद का स्वयं होता है। यहाँ देखो छः का जातीय मान पूछ रहा है, यानी कि छः का जातीय मान क्या होगा, छः ही होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखना ध्यान से, अगर मैं स्थानीय मान निकालता हूँ तो कैसे निकालता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। इस नंबर जहाँ लिखा है ना, जिसका निकालना उस नंबर को देखो, किसका निकालना, छः का निकालना, छः का निकालना, छः के सामने छः लिख दो और देखना कि राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं। आपको अगर राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 अंक हैं, आप मुझे तो जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा दो, यही हमारा स्थानीय मान निकल जाता है। ये बात कन्फर्म हो गई। आपसे पूछ रहा है कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें, बहुत ही आसान है। आप मुझे तो 6000 में जब 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 6004 आएगा। आप कहोगे 6000 में जब कुछ घटाया जाता है ना तो 6000 से कम आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे 6000 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 थोड़े ना आएगा, आप कहोगे प्लस का 2 थोड़े ना आएगा, बहुत कम नंबर घटा रहे ना, घटा कितना रहे, आप कहोगे 6 घटा रहे तो 2 थोड़े ना बचने वाला। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती। जब भी 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की निकालना हो सबसे बड़ी संख्या, उतने ही 9 लिख दो बस। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको 4 बार 9 लिखना है, 4 बार 9 लिखना है। आप मुझे तो और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करना, एक लिख के आप देखो, 4 अंकों की पूछ रहा है, एक लिख दिया तो कितने अंक बचेंगे, आपको 3 अंक बचेंगे, जितने अंक बचे उतने जीरो लगा दो, वही हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि इसका अंतर ज्ञात करें। आप मुझे तो 9999 में जब आप 1000 घटाओगे तो 8999 बचेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर छोड़कर इसके अलावा कुछ भी पूछा जाता है ना, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना वो नंबर जो होगा वो हमेशा 8 और 9 से स्टार्ट होगा। मतलब सबसे पहले 8 होगा, फिर इसके बाद में कंटिन्यू 9-9 नंबर हो जाएंगे जितने भी अंक पूछे जाएं। आप मुझे बताओ 8 से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। मैंने बोला है कि 8 से स्टार्ट होगा और शेष जो नंबर होंगे वो 9-9 होंगे। 8 से स्टार्ट हो रहा शेष नंबर, यहाँ देखो 9-9 है क्या, नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि राम ने एक घर 2 मिलियन में खरीदा, ठीक है, जबकि श्याम ने एक घर 2 करोड़ का खरीदा, ठीक है, दोनों में से आपको बताना ये है कि किसने ज़्यादा पैसे खर्च किए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आसान सवाल कब है, जब आपको मिलियन के बारे में पता हो तभी इस सवाल को कर पाओगे। आपको करोड़ के बारे में तो पता है लेकिन मिलियन के बारे में नहीं पता है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। अगर मिलियन के बारे में पता होगा तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर क्या होता। आप कहोगे 1 मिलियन बराबर कितना होता, आप कहोगे 1 मिलियन बराबर कितना होता, 10 लाख। ये चीज़ कंफर्म। आप अगर ध्यान देखो, अगर मैं कहता हूँ 2 मिलियन, अगर मैं 2 मिलियन की बात करता हूँ तो 2 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 लाख हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि राम भाई साहब ने 20 लाख का घर खरीदा और श्याम भाई साहब ने कितने खरीदा, 2 करोड़ का। आप मुझे बताओ 20 लाख ज़्यादा होते कि 2 करोड़। आप कहोगे 2 करोड़ ज़्यादा होते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको मिलियन की नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 6 सैकड़ा प्लस 6 दाई प्लस 6 इकाई बराबर है। दोस्तों देखते ही इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है कि सैकड़ा मतलब क्या होता है। आप कहोगे सैकड़ा का मतलब कुछ नहीं होता, 2 जीरो लग जाते हैं, यानी कि जो नंबर दिखा है ना 6 और सैकड़ा मतलब 2 जीरो लगा दो 600 हो जाएगा। आप कहोगे दहाई का मतलब कुछ नहीं होता, गुणा 10 करना होता, यानी कि 1 जीरो लग जाता है। आप कहोगे इतना हो जाएगा 60। आप कहोगे इकाई का मतलब गुणा 1 हो जाता है, 6 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा 6। आप मुझे तो 600 में अगर आप 60 जोड़ते हो
फिर 60 जोड़ते हो, नंबर क्या आपका 6 लाख आने वाला है। आपको अगर 600 में अगर मैं 600 जोड़ देता तीन बार तो छतियाँ 1800 हो जाता, लेकिन 1800 से कम नंबर आएगा क्योंकि यहाँ 600 है नहीं और ना यहाँ 600 है, 1800 से कम नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ लाख की बात कर रहा है, यहाँ देखो हज़ार की बात कर रहा है, यहाँ भी देखो लाख की बात कर रहा है, सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 10,000 प्लस 10 सैकड़ा प्लस 10 दहाई प्लस 10 इकाई बराबर क्या होगा। दोस्तों देखते ही आपको देखना होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता, आपको कि 10 10 20 10 30 10 40 अगर मैं सबको हज़ार मानता तो भी आंसर 40,000 आता, कम से ज़्यादा ज़्यादा 40,000 आता। आपको कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो 1,00,000 में वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी देखते ही गलत हो जाएगा। आप मुझे तो आपको पता होगा कि हज़ार का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ देखो कितना लिखा 10, हज़ार का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ 3 0 लगाना है, 1 2 3। आपको मैंने बताया कि सैकड़े का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या लगाना, 2 0 लगाना है, 2 0 लगा दिया। आपको मैंने बताया दहाई का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको क्या लगाना, 1 0 लगाना है। फिर मैंने बोला कि इकाई का मतलब कुछ नहीं होता, आपको जो नंबर लिखा है वही नंबर लिख दो, या कहें इकाई का मतलब गुणा वन, 10 × 1 कितना होता है, 10 ही हो जाता है। आप मुझे तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10 जोड़ोगे कितना आएगा, आप मुझे तो 10,000 प्लस 1,000 जोड़ोगे 11,000 आएगा। आप कहोगे 11,000 हो गया, फिर देखो 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11,100 हो जाएगा। आप देखो 11,100 कहाँ देखा, यहाँ देखो 11,010 लिखा है, यहाँ देखो 11,011 लिखा है, खत्म हो जाएंगे। आप मुझे तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन तो बचा, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि 26,567 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। मैंने स्थानीय मान निकालना बताया, क्या करना है आपको, आपको नंबर लिखा है 26,567, आपसे पूछा क्या गया 6 का स्थानीय मान। आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां 6 दिख रहे उसके सामने 6 लिखो। अब देखना है कि राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, आपको 1 2 3, आपको कितने 0 लगाएंगे, आपको 3 लगाएंगे, इसका 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। आप 6,000 देखते ही आप दोनों ऑप्शन गलत कर सकते हो, ए और बी। आप मुझे बताओ 6,000 में जब आप अंतर करोगे किसी भी नंबर का तो वो जो वैल्यू आएगी वो 6,000 से कम आएगी, 6,000 तो आने वाली नहीं, ना 6,000 से ज़्यादा आने वाली। आप देखना ध्यान से, अब आगे क्या कहेगा, 6 का स्थानीय मान ही आपको और निकालना है। आपको कोई यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में कितने डिजिट, आपको कोई 1 डिजिट तो 0 लग जाएगा 1। आप मुझे तो 6,000 में जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 5940 बचेगा। यहाँ देखो 5960 तो होने वाला नहीं क्योंकि आप 40 घटा रहे हो, आपको घटाना कितना है 60। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि यदि 692 प्लस 810 बराबर कितना होता है, 1502। बिल्कुल बात सही है। आपको बताना ये है कि 69,200 प्लस 81,000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ इस सवाल में अगर आपको एक चीज दिखती है ना तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ अगर आपको ये चीज दिख रही है कि ये क्या देखें, आपको 692 और ये देखो ध्यान से क्या दे रखा 810, 692 प्लस 810 की वैल्यू हमको पता है कि कितनी होती है 1502। अब आगे एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, आपको 2 0 दे रखा है। अब 2 0 आगे एक्स्ट्रा दे रखा है दोनों में, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 0 एक्स्ट्रा होंगे। आपको 1502 तो यहाँ मिल रहा है, अब आपको क्या चाहिए, 2 0 एक्स्ट्रा। बस सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसी कंडीशन फॉलो होती है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास को अगर आप सपोर्ट करते हो तो इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ करवाते रहेंगे और आपको मैथ से डर खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इस क्लास को बहुत सारा शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।